morning, guys. How are you all doing? Hope that you all are doing well. This is Muneet Tahir and welcome back to another vlog. तो यार हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं यूनिवर्सिटी के बारे में और आज जो है यूनिवर्सिटी की सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि आपका फर्स्ट डे जो है जो कि आपका ओरिएंटेशन डे होता है वो कैसा होता है और बेसिकली मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आए हैं कि हमें फर्स्ट डे क्या लेके जाना है यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि यार फर्स्ट डे जो है वो आप मतलब कि किस तरह, मुझे पता है बंदा क्यूरियस होता है कि यार फर्स्ट डे क्या लेके जाएंगे, क्लासेस होंगी या क्या, किस तरह सब पता चलेगा एटसेट्रा, यू नो एवरीथिंग। तो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू थिंक कि आपको फायदा हुआ है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चले यार लेट्स डाइव इनटू इट। तो यार जब आप जो है किसी नए स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो जैसे वहाँ फर्स्ट डे होता है, तो मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल वैसा जो है यूनिवर्सिटी में भी होता है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। आपको जो है ओरिएंटेशन में ये होता है कि सीनियर्स जो होते हैं वो मतलब आपके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और सीनियर्स को जो है आपका एक एक ग्रुप को जो है ना वो सीनियर्स को दे दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको जो है यूनिवर्सिटी का विजिट करवाते हैं, बाकी डिपार्टमेंट वगैरह दिखाते हैं, आपके लैब्स दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या किधर करना है, आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं उनसे, आप उनसे उस वक्त टिप्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है बड़ा एक फ्रेंडली सा माहौल होता है, ठीक है। फिर जो है यूजली जो है वो एक सेमिनार टाइप भी होता है, ठीक है, उसमें ये होता है कि कोई ना कोई प्रोफेसर्स या समटाइम्स वी सी इज ऑल्सो देयर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो ये सब लोग जो है अपने अपने जो है वो आपको कुछ टिप्स देते हैं, कुछ आपके साथ और बातें करते हैं जिससे जो है आपको थोड़ा सा जो है वो यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल जाता है, थोड़ा आपकी डिपार्टमेंट के बारे में पता चल जाता है और थोड़ा आपकी फील्ड के बारे में पता चल जाता है कि यार आपको क्या करना है। अच्छा यार फर्दर मोर मुझे काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस भी रिसीव हुए हैं कि विच टीचर इज़ द बेस्ट और क्या टीचर्स अच्छे हैं और प्रैक्टिकल वर्क होता है या नहीं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस। तो यार ऑफ कोर्स आप मतलब अगर आप स्पेशली आईटी वालों के और कंप्यूटर साइंस वालों के क्वेश्चंस होते हैं ना कि यार प्रैक्टिकल वर्क होता है या नहीं होता, तो यार ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ में कवर की हुई हैं कि क्या किस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं और क्या होता है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा यही है कि यार आप आइए, उसके बाद जो है आपके सीनियर्स बहुत अच्छे हैं और आपको आपके सीनियर्स फ्रीलांसिंग करते हुए नज़र आएंगे, आपको आपके सीनियर्स जो है वो काफ़ी कुछ करते हुए नज़र आएंगे, तो ये है ना कि आपको जो है अच्छी गाइडेंस मिलेगी आई एम श्योर, और आपको टीचर्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मिलेगी। तो बाकी लाना क्या है यार, हाँ मेन पॉइंट तो भूल ही गया कि साथ क्या लाना है। तो फर्स्ट डे यार आपको कुछ भी नहीं लाना होता, हाँ आप हॉस्टल वगैरह आपने आई होप कि आपने अपना एडमिशन भी करवा लिया होगा, हॉस्टल फीस भी सबमिट कर ली होगी, तो फर्स्ट डे ही जाके आपकी शायद अलॉटमेंट फर्स्ट डे होगी, आपको बता दिया गया होगा आई एम नॉट श्योर, तो आपकी अलॉटमेंट वगैरह होगी होगी। और दूसरा ये हॉस्टल का मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, कोशिश करूँगा एक और वीडियो भी बना लूँ हॉस्टल के बारे में, बट ये कि हॉस्टल का मैं इस वीडियो में भी टच दे देता हूँ कि यार आपको जो है वो जो बेड्स वगैरह होते हैं, बेड तो नहीं होते चारपाइयाँ होती हैं वैसे, हाँ टू बी ऑनेस्ट यार, लेकिन ये कि वो आपको प्रोवाइड हो जाती हैं, आपको सिर्फ मैट्रेस वगैरह बाकी सारा सामान आपको खुद लेके जाना होता है। मैंने ऑलरेडी बताया भी था हॉस्टल वाली वीडियो में, दोबारा बता देता हूँ और एक अलग वीडियो भी बना दूंगा इस पर। अब जो है मज़ीद ये कि फर्स्ट डे जब आपकी क्लास होती है तो यार वो भी आपका आपकी क्लास के अंदर से ही जब आपके टीचर आएंगे, आपके प्रोफेसर आएंगे, वही आपका CR भी डिसाइड हो जाएगा उस दिन, ठीक है। बाकी जो है आपका मतलब आपको टाइम टेबल वगैरह मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि पता नहीं क्या होगा, तो इट इज़ स्मूथ यार। कोई एक और क्वेश्चन वो मेरे पास बहुत ज़्यादा आया, फूलिंग का क्या सीन है, तो यार अगर फूलिंग का सीन मैं अभी आपको बता दूंगा तो फिर आपके लिए सरप्राइज तो नहीं रहेगा ना यार फूलिंग का सीन। या बहुत से मुझे क्वेश्चन मिले फूलिंग से कैसे बचें, भाई फूलिंग से आपको बचने का तरीका बता दूं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारूं आप लोग क्या चाहते हैं, बट स्टिल अगर मुझे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले कमेंट्स मिलते हैं इस तरह के मजीद के फूलिंग से कैसे बचना है या फूलिंग का क्या सीन होता है एटसेट्रा, आई विल मेक वीडियो फॉर श्योर
एडमिशन से पहले पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा यार आई डोंट थिंक सो एनीथिंग एल्स। बाकी बुक्स वगैरह का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है कि बुक्स वगैरह कुछ नहीं होती हैं, सही है। और क्लास के लिए आपने क्या लेके जाना है यार, एक पेन लें, एक रजिस्टर लें, बाकी यू आर रेडी फॉर क्लास, ठीक है। दैट्स ऑल जो आपको मेरे ख्याल से पूरा सेमेस्टर लेके जाना है, और आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लैपटॉप वगैरह की भी बात ऑलरेडी होगी थी, ठीक है। और बाकी लैब वर्क में भी कुछ साथ नहीं लेके जाना होता, मतलब जो सारा टाइम आपके साथ जो चीज़ होगी वो सिर्फ एक रजिस्टर होगा यार, एक पेन होगा, ठीक है। दैट्स ऑल यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपके मजीद कोई क्वेश्चन हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। कीप स्माइलिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। अस्सलाम वालेकुम।